कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर इस वीडियो के अंदर हाजिर हो गया हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो कि जूनियर एनटीआर के फैंस है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी दो अपडेट है छोटे छोटे, तो इसी को लेकर वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू मूवी डायरी, मैं हूं सुखेंदु। तो सबसे पहले जूनियर एनटीआर के अपडेट के बारे में बात करते हैं। आपको याद ही होगा एक फिल्म आई थी हाई नन्ना, या फिर हिंदी में हाय पापा। फिल्म के अंदर हम देख पाए थे नानी और मृणाल ठाकुर को। फिल्म का डायरेक्टर था शौर्युफ, और शौर्युफ का ये फर्स्ट फिल्म था, डेब्यू फिल्म था। अभी इसी डायरेक्टर के साथ जूनियर एनटीआर प्लान कर रहे हैं एक मेगा बजट एक्शन मूवी का। जी हाँ, एक मेगा बजट टू पार्ट एक्शन मूवी का प्लान कर रहे हैं। और ये जो एक्शन मूवी है, कहा जा रहा है कि ये मूवी कोई साधारण सा एक्शन मूवी नहीं, ये एक हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा मूवी होगी, जिसको जिसका कहानी ऐसा ही है कि मतलब दो पार्ट में इसको लिखा जाएगा। अभी इसके स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है। जूनियर एनटीआर ने इनिशियली इसका जो आइडिया है उसके ऊपर हाँ किया है। अभी स्क्रिप्टिंग होने के बाद, फुल फ्लेजेड स्क्रिप्टिंग होने के बाद इसको फिर से नरेट किया जाएगा जूनियर एनटीआर को। उसके बाद जो है वो फिर इस फिल्म को साइन करेंगे। अगर साइन होता है तो इस फिल्म का जो शूटिंग है 2026 से स्टार्ट किया जाएगा। जी हाँ, इसका शूटिंग 2026 से स्टार्ट किया जाएगा। और प्लान किया जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट को 2028 में रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, अभी बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि आगे जो है आपको पता ही है देवरा मूवी का सेकेंड पार्ट आने जा रही है, उसके बाद जो है इस फिल्म को वो स्टार्ट करेंगे। और आपको पता ही है जूनियर एनटीआर जो है वो नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं, नए डायरेक्टर्स को इनकरेज करना भी पसंद करते हैं। तो यही था जूनियर एनटीआर का अपडेट। दूसरा अपडेट ये है कि जॉन अब्राहम की अपकमिंग मूवी वेदा, जिसको लेकर एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया था कि सीबीएफसी के तरफ से इसका सर्टिफिकेशन नहीं किया जा रहा था, तो लेटेस्ट खबर यह है कि इस फिल्म का जो सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट कर दिया गया है। फिल्म को मिला है यूए सर्टिफिकेट और कोई भी कट्स नहीं दिया गया है। तो फिल्म जो है रेडी है 15 अगस्त को रिलीज़ के लिए। और तीसरा अपडेट ये है कि सोनू सूद की डायरेक्टोरियल मूवी जिसका नाम है फतेह, जिसके अंदर हम नसीरुद्दीन शाह को भी देख पाएंगे, अब इस मूवी का रिलीज डेट जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा 10 जनवरी 2025 को। तो यही था अपडेट्स। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।